बचा कि? बचा हुआ कुछ नहीं। क्या सरकार भरपाई करना चाहिए, सरकार करती ही नहीं भरपाई, कोई अब कोई उम्मीद नहीं। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। जिन किसानों ने इन खेतों के जरिए तमाम आय के रास्ते खोजने की कोशिश की थी, उनकी आंखें बेबस हैं, चेहरे लाचार हो गए हैं, घर परिवार में सन्नाटा है। सन्नाटा इस बात से कि खेत में जो फसल इस साल की तमाम मुश्किलें आसान करने वाली थी वो बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश के कारण आलू, सरसों और गेहूं के खेत बर्बाद होने लगे हैं। जो फसल खेत में मौजूद थी, ओले और बारिश के कारण उस पर सड़ने की नौबत आ गई है। वो फसल जिसके रास्ते से किसान अपनी मुश्किलों को आसान करने की कोशिश कर रहे थे, वो फसल अब सिर्फ एक अपशिष्ट बन गई है, वेस्ट बन गई है, कूड़े जैसे खेत में रखी हुई है। पर किसान क्या करे, किसान जिसने इस फसल के रास्ते ही अपने घर के तमाम काम संभाल रखे थे, वो अब नहीं समझ पा रहा कि आगे का रास्ता क्या है। मजदूरी के लिए बेबस हुए किसानों से एनबीटी की टीमों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बातचीत शुरू की। राजधानी लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर बाराबंकी के किसानों ने जब अपने हाल बयान किए तो हर किसी की आंख में आंसू आ गए। लोगों ने कहा कि हे ईश्वर, इन किसानों को किस पाप की सजा मिल रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से हुई ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मंगलवार को हुई ओलावृष्टि ने बाराबंकी के किसानों की काफ़ी नुकसान किया है। यहाँ पर सरसों, गेहूं, मसूर, मटर आदि कई फसलें हैं जो भारी नुकसान हुआ है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो फसल थी वो कितनी प्रभावित हुई है। क्या नाम है दादा आपका? पवन। समय क्या स्थिति है, बारिश हुई है? बारिश हुई है भैया, गेहूं सब गिर गया है, पत्थर गिरा है, नुकसान बहुत हुआ है, सरसों फूट गए हैं, काटी पड़ी रहा है, वहीं पानी सब डूब गए हैं। कितनी बीघा खेती रहे, कितनी लागत आई थी आपको इस फसल को बुआने में, और क्या लगता है कि नुकसान की जो भरपाई है वो पूरी हो पाई? नुकसान की भैया भरपाई ना हो पाई, इसलिए कि ज़्यादा नुकसान हो चुका है। क्या लगता है, सरकार तो प्रयास कर रही है, किसानों घोषणा भी की है कि किसानों की जो फसल का जो नुकसान है प्राकृतिक आपदा है उसको भरपाई की जाए? हाँ, तो सरकार भले भरपाई करा दे, बाकी अब फसल में तो बटोर के बस कुछ मिल जाए तो मिल जाए, बस और कुछ नहीं मिल पाए। कितने बीघा खेती आपने की है? पाँच बीघा। हाँ, तो क्या क्या बोया था आपने? गेहूँ, सरसों। और भी किसान है, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। विश्वनाथ जी, क्या लगता है इस बार बारिश हुई है आपकी फसल? गेहूँ रहा है वो हमारा बेकार हुआ है, और सरसों काटे पड़ी रहा है वो सब नाश गिर गए। क्या लगता है जो नुकसान की भरपाई हो पाएगी? ना। कितनी बड़ी है जो आपदा है, क्या लगता है परिवार कैसे चलेगा, जो फसल बर्बाद हो गई तो कैसे? अरे आप जैसे तैसे चल पे करिए अब जैसा। क्या नाम है आपका दादा? असलम। असलम जी बताइए कि कितने बीघा खेती करें आप? खेती तो 12 बीघा हुई। और आलू रहा है, सरसों रहा है, और सरसों जो है तो आलू तो खैर कम बेस बच गया है, बोला सरसों जो है नुकसान हो रहा है, और वही है कि जो नुकसान हो गया तो हो गया बोलने से। कुछ उम्मीद है कुछ मिलेगा कि नहीं, क्या लगता है? अरे थोड़ा बड़ा जो मिली तो मिली, वही गुजारा की नहीं। सरकार ने कहा है कि जो किसान हैं उनको लाभ देने के लिए उनको चिन्हित किया जा रहा है, क्या लगता है जो सरकार प्रयास करती है लाभ देने के लिए किसानों को फायदा मिलता है? हमको साहब नहीं मिला, हमने फार्मे नहीं जमा दिया कोई ना, हमका कोई लाभ नहीं है। क्या सरकार भरपाई करना चाहिए, सरकार करती ही नहीं भरपाई कोई। जो बर्बाद होता है धान इतना खराब हो गया है, उसका भी कुछ नहीं किया है, हम लोगों का कुछ नहीं होता है। अच्छा, अरे हाँ पत्थर गिरा तो सबका भैया नुकसान हुआ। कई बीघा बोए रहे? सरसों, गेहूँ। गेहूँ है 4 बीघा। क्या लगता है ये जो भरपाई हो पाएगी नुकसान की? अरे देखो भैया बहुत दिया था नुकसान की भरपाई, तो जब मिले तब जानो। 6 बजे यूरिया डाले और 4 पानी लगाए नहीं गवर्नमेंट में,
और सरसों में यहाँ दोन पानी लगा रही का कुछ बचा कि बचा हुआ कुछ नहीं। गेहूँ की फसल बहुत बर्बाद हो गई। अब देखो आगे कैसे खर्च चले भाई। बहुत नुकसान हुआ है गेहूँ और आलू और सरसों का। आपकी कितने बीघे खेती थी दादा? मात्र 2 बीघा। अच्छा, तो घर परिवार कैसे चलाते थे? अरे अब कुछ मजदूरी कर ले रहा है, थोड़ा बहुत खेत में पैदा हो जा रहा है, तो कैसे अब खर्च चले। क्या हाल है आपकी, क्या रहेगा? अरे अब कहा बतावा जाए भाई, बहुत नुकसान हो गया। कोई अधिक ढाई बीघा के खेत है, वो माँ हम वही के लगाई के नहीं कुछ होते तो क्या करी, पानी भर जाती है। नहीं हुआ कुछ, कुछ नहीं। उम्मीद है कुछ सरकार से, उम्मीद है मिली ही बार। अब मिले भैया फार्म भरवा रहे, नहीं मिला तो क्या करी भैया। कोई नहीं आवा जहाँ चले मुला, जहाँ बेसार ले रहे थे कहीं ना, तुम्हारा बेसार का पैसा मिल गई तो आओ, नहीं मिला बिना हमका आधार कार्ड की फोटो कापी और हमका बैंक खाता दे दो तो कुछ नहीं हमका मिला हुआ, नहीं आवा पैसा वैसा। क्या लगता है कि जो भरपाई है नुकसान की वो नहीं हो पाती है? अब कोई नहीं कहा थे कि आई पैसा तो नहीं आवा, तब तुम का बताइए। अभी कोई उम्मीद नहीं।